हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप के बारे में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर आकर के, और जो बेल आइकन है इसे दबा दिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे, ठीक है। और जब भी आप स्टडी करें, आप जब भी हमारे चैनल पे पहुंचे कॉमर्स की पाठशाला में, नीचे की तरफ आपको जाना है और बीकॉम न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। बीकॉम न्यू में क्या होगा कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो की है प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप। ओके देन, तो जो सबसे पहला जो काम होता है जब भी आपको वाइंडिंग अप करना है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है किसी कंपनी को बंद करना, किसी कंपनी का जो है एक तरीके से उसको बंद करना, उसे हम कहते हैं वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप का एक प्रोसीजर होता है, एक ड्यू प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है। अगर आपको अपनी कंपनी को बंद करना है, समेटना है सारी चीजें, तो कैसे आप करोगे? सबसे पहले आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। वाइंडिंग अप कंपनी जो होती है वो लॉ के जरिए बनाई जाती है, एक तरीके से जो कंपनीज एक्ट है उसके जरिए बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पे बंद करने का काम भी एक्ट के थ्रू ही करना पड़ेगा। सो फाइलिंग ऑफ पिटीशन, राइट। देखते हैं फिर क्या है। सो इट इज प्रेजेंटेड बाय द कंपनी टू द ट्रिब्यूनल अलोंग विद द स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स। इट इज फाइल्ड बाय एनी अदर पर्सन। कंपनी इज अलाउड टू फाइल ऑब्जेक्शंस, है ना। अब ये जो 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 इट इज प्रेजेंटेड बाय द कंपनी टू द ट्रिब्यूनल, ये कंपनी जो है एक तरीके से प्रेजेंट करती है, फाइलिंग फाइल करती है अपने स्टेटस को ट्रिब्यूनल को, ठीक है ना। अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यू नो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ वो जो है पेटिशन फाइल करती है किसको? ट्रिब्यूनल को। और इफ इट इज फाइल्ड बाय एनी अदर पर्सन, अगर कोई अदर व्यक्ति, कंपनी के अलावा कोई और व्यक्ति अगर ये फाइल करता है कि मुझे इस कंपनी को बंद करना है, तो उस केस में कंपनी जो है वो वहां पे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, कि हमें कंपनी को बंद नहीं करना है, ठीक है ना। सो फाइलिंग ऑफ पेटिशन इज द फर्स्ट प्रोसीजर। सबसे पहला काम जो होता होगा, होता क्या होगा, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि आप सबसे पहले पिटीशन को फाइल करें, कंपनी कंपनी करती है ट्रिब्यूनल के सामने कि हमें जो है इस कंपनी को वाइंड अप करना है, बंद करना है। अगला है प्रोविजनल लिक्विडेटर, अगला नहीं है, उसी में है। सो एट एनी टाइम आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ वाइंडिंग अप पिटीशन एंड बिफोर द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, द ट्रिब्यूनल मे अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के बाद जब भी आप अपना पिटीशन फाइल कर देते हो, उसके बाद जो कंपनी है, जो ट्रिब्यूनल है, वो एक तरीके से एक आदमी को अपॉइंट करती है, प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है, जो कि सारी की सारी चीजों को देखेगा बढ़िया तरीके से, है ना, और चीजों को जो है देखने के बाद एसेस करेगा और देन जो है अपना जजमेंट पास करेगा, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ आफ्टर एट द टाइम आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द वाइंडिंग अप पिटीशन बिफोर मेकिंग अप ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, वाइंडिंग अप ऑर्डर करने के पहले, कंपनी को बंद करने के पहले, उसका कंपनी का जो वाइंडिंग अप ऑर्डर है उसको देने के पहले जो ट्रिब्यूनल है वो एक काम करता है कि वो एक प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देता है। सो बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट, हाउएवर द ट्रिब्यूनल मस्ट गिव नोटिस टू द कंपनी सो एज टू एनेबल इट टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इफ इट थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विद सच नोटिस, है ना। तो लेकिन जब भी प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है तो कंपनी को एक तरीके से उसके बारे में बताया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि हमें एक व्यक्ति को जो है अपॉइंट कर रहे हैं और वो जो है एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर वहां के जो सारे भी सारे काम है, वाइंडिंग अप का जो सारा चीज है उसको वो वहां पे हैंडल करेगा। द पावर्स ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर आर सेम एज दोस ऑफ द लिक्विडेटर अनलेस लिमिटेड बाय द ट्रिब्यूनल। तो जो पावर्स होते हैं प्रोविजनल लिक्विडेटर के वो सेम होते हैं Those of a liquidator, एक liquidator होता है और एक provisional liquidator होता है, तो दोनों की पावर सेम ही होती है जब तक कि ट्राइब्यूनल उसके पावर्स को रिड्यूस ना कर दे। अगर ट्राइब्यूनल बोलता है कि तुम्हारे पास ये पावर नहीं है, प्रोविजनल लिक्विडेटर के पास ये पावर नहीं है, तो वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। बट इन जनरल अगर बोला जाए तो दोनों की पावर जो होती है वो सेम होती है, आप ये याद रख सकते हो। तो पहला काम था फाइलिंग ऑफ पिटीशन, दूसरा काम है कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है। So on a winding up order being made in the respect of company, the tribunal shall appoint official liquidator or liquidator. है ना, मैंने provisional liquidator के letter liquidator के बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, वो तो काम एक है ही, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब winding order pass कर दिया जाता है तो उस time पे जो tribunal है वो official liquidator या फिर liquidator को appoint करता है। जो प्रोविजनल लिक्विडेटर था वो देखो याद, वहां पे लिखा हुआ वाइंडिंग अप ऑर्डर के पहले प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो सारी चीजों को देखे, लेकिन एक बार जब वाइंडिंग ऑर्डर पास हो गया तो क्या होगा, तो ट्रिब्यूनल जो है परमानेंटली एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को वहां पे अपॉइंट कर देगा।
कि वो धीरे धीरे जो है सारी की सारी जो भी एसेट्स हैं उसको वो लिक्विडेट कर दे। द लिक्विडेटर शुड बी रजिस्टर्ड अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब जो लिक्विडेटर होगा वो ऐरा गैरा तो हो नहीं सकता, उसके पास डेफिनेटली वो यू नो अथॉरिटीज होनी चाहिए, राइट। तो उसको जो है एक लिक्विडेटर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। 2016 जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, उस कोड के तहत वो लिक्विडेटर जो है एक तरीके से रजिस्टर्ड लिक्विडेटर होना चाहिए। अ लिक्विडेटर कैन बी रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। एक लिक्विडेटर को बाद में जाकर के रिप्लेस या फिर रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, किसी और लिक्विडेटर के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है या फिर तो उसको हटाया जा सकता है कंप्लीटली। नाउ कंपनी लिक्विडेटर के बाद आ गया वाइंडिंग अप कंपनी। अब आप कंपनी को वाइंड अप कर रहे हो। सो विद इन 3 months ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर द कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू फॉर्म अ वाइंडिंग अप कमिटी टू असिस्ट एंड मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप। क्या हुआ यहाँ पे, वाइंडिंग अप कमिटी एक तरीके से बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है मैं शुरू से बताता हूँ। वाइंडिंग अप ऑर्डर जैसे ही पास हो गया, उसके पास होने के 3 महीने के भीतर जो है जो लिक्विडेटर होगा, जो कंपनी लिक्विडेटर होगा जो कि ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है, वो क्या करेगा, वो एक कमिटी तैयार करेगा जो कि सारी की सारी चीजों को देखेगा, प्रोग्रेस को चेक करेगा और असिस्ट करेगा इस कंपनी को वाइंड अप करने में। तो इसे हम कहेंगे वाइंडिंग अप कमिटी। अ मंथली रिपोर्ट अलॉन्ग विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी शैल बी प्लेस्ड बिफोर द ट्राइब्यूनल बाय कंपनी लिक्विडेटर द कन्वीनर, है ना। तो एक मंथली रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है अलॉन्ग विद द मिनट्स, जो भी मीटिंग में होते हैं वो सारी की सारी चीजें को मिनट्स कहते हैं। तो मिनट्स में वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं और उसको जो है पेश किया जाता है, उस कमिटी की जो भी मीटिंग हुई है उन सबको पेश किया जाता है ट्राइब्यूनल के सामने बाय द कंपनी लिक्विडेटर, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा उसके द्वारा या फिर जो कन्वीनर होगा उसके द्वारा। द कंपनी लिक्विडेटर मस्ट सबमिट अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द ट्राइब्यूनल विद इन 60 days फ्रॉम द वाइंडिंग अप ऑर्डर। और इसके भी पहले जो कंपनी लिक्विडेटर होता है उसको एक यू नो प्राइमरी या फिर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, ठीक है ना, देनी पड़ती है ट्राइब्यूनल को विद इन 60 days। ऑर्डर जब से होगा वाइंडिंग अप का, जैसे ही ऑर्डर पास हो गया उसके 60 दिनों के भीतर एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर जो है रिपोर्ट करनी पड़ती है ट्राइब्यूनल के सामने उस कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 points हो गए। चौथा पॉइंट है एडवाइजरी कमेटी। जैसे वहां पे वाइंडिंग अप कमेटी बनी थी, यहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी। क्या होगा यहाँ पे, सो द ट्राइब्यूनल मे एट द टाइम ऑफ मेकिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑफ ए कंपनी और एनी टाइम देयर आफ्टर डायरेक्ट टू फॉर्म अ एडवाइजरी कमेटी टू एक्ट विद कंपनी लिक्विडेटर and to report to tribunal on such matters as tribunal may direct, है ना। तो tribunal क्या करेगी, जैसे ही winding up order एक तरीके से pass हो गया उस वो time पे या उसके बाद में कभी भी जो है tribunal जो है एक advisory committee बोल सकती है कि आप एक advisory committee तैयार कर लो जो कि liquidator के काम को थोड़ा आसान करेगी, liquidator के साथ मिल करके उसको assist करेगी और इस matter को है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो है वो सुलझा लेगी, है ना। तो एक तरीके से जो कंपनी लिक्विडेटर होता है उसको हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए जो है एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाती है बाय ट्राइब्यूनल। द मैक्सिमम मेंबर ऑफ द कमेटी इज 12, ज्यादा से ज्यादा 12 लोग उसमें हो सकते हैं, बीइंग क्रेडिटर एंड कंट्रीब्यूटर्स। अब वो 12 लोग हो, ऐसा हो सकता है कि वो क्रेडिटर्स हों जिन्होंने उधार में सामान दिया था या कॉन्ट्रीब्यूटर्स हों जिन्होंने पैसे लगाए थे, राइट। द कमेटी हैज द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी अंडर लिक्विडेशन एट रीजनेबल टाइम, ठीक है। तो जो कमिटी होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कंपनी के बुक्स को, कंपनी के अकाउंट्स को, कंपनी के अदर डॉक्यूमेंट्स को वो एक तरीके से चेक कर सकती है, ठीक है, और एक रीजनेबल टाइम तक यू नो उन चीजों को चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके पास ये अधिकार दिया जाता है। द कोरम इज 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर और 2 व्हिच एवर इज हायर, है ना। जो कोरम होता है, जो मिनिमम नंबर ऑफ यू नो पर्संस की आवश्यकता पड़ती है एडवाइजरी कमिटी बनाने के लिए, उनकी संख्या जो है टोटल मेंबर्स के 1/3 होनी चाहिए। सपोज 12 मेंबर है तो 1/3 कितना हो गया, 4, 4 लोग होने चाहिए या फिर 2 लोग होने चाहिए। जो ज्यादा होगा उसको आपको एज ए कंपनी एडवाइजरी का जो कोरम है वो मानना पड़ेगा। द कंपनी लिक्विडेटर शैल चेयर द मीटिंग ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, और जो कंपनी लिक्विडेटर होगा वो एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होगी उसको वो चेयर करेगा, मतलब चेयरमैन वो होगा। नाउ द 5th पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी डिसॉल्व कर रही है, अब कंपनी जो है बंद हो रही है। सो व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप the company liquidator shall make an application to the tribunal for dissolution of the company, ठीक है। तो जो company के affairs जब completely बंद हो जाते हैं, completely wound up हो जाते हैं, तो उसके बाद जो company liquidator होता है वो application करता है tribunal को, NCLT को, कि वो जो है company को अब dissolve कर सकता है, उसको dissolution अब करना है, ठीक है। Now
अपॉन अपॉन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द कंपनी लिक्विडेटर और अदरवाइज द ट्राइब्यूनल आर फॉर्मिंग एन ओपिनियन दैट इट इज जस्ट जस्ट एंड रीजनेबल टू ऑर्डर डिसोल्यूशन शैल मेक एन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो एप्लीकेशन जब रिसीव करा ट्राइब्यूनल ने, तो वहां पे वो क्या करेगा, वो चीजों को अच्छी तरीके से देखेगा, अपना एक ओपिनियन बनाएगा और ओपिनियन को बनाने के बाद रीजंस दे करके वो जो है कंपनी को डाइल्यूट करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के, डाइल्यूट नहीं डिसॉल्व करने के लिए वो जो है एक ऑर्डर पास करेगा, शैल मेक एन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, द कंपनी शैल बी डिसॉल्व इफेक्ट द कंपनी शैल बी डिसॉल्व इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और जैसे ही वो ऑर्डर पास हो जाएगा कि कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया है या फिर किया जाएगा, उसी टाइम पे जो है कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी डिसॉल्व विद इफेक्ट हो जाती है। ठीक ना, सो व्हेन द कंपनी डिसॉल्व, जब कंपनी डिसॉल्व हो जा रही है, नो सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स विल लाई अगेंस्ट द कंपनी बिकॉज द डिसॉल्व कंपनी हैज नो एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ। और जैसे ही ये नियम एक तरीके से लागू हो गया, जैसे ही इफेक्ट में आ गया, डिसोल्यूशन का जो स्टेटस है वो अगर उसके में आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, तो उसके बाद किसी भी तरह का कोर्ट केस, किसी भी तरह का सूट, किसी भी तरह का यू नो कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वो सारी की सारी चीजें जो है निरस्त हो जाएंगी जो भी कंपनी के ऊपर थी, क्योंकि कंपनी जो है वो एक पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है इन द आईज ऑफ लॉ। पर जैसे ही उस पर्सन की एक तरीके से उसकी जो आत्मा है वो छीन ली गई, वो कंपनी को एक तरीके से बंद कर दिया गया, तो उसके पास अब किसी भी तरह का एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता, तो उस केस में उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का केस या फिर किसी भी तरह का प्रोसीडिंग्स का चार्ज जो है नहीं लगाया जा सकता या फिर नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो हट जाता है उसके पास से। तो ये टोटल पांच तरीके, पांच पॉइंट्स थे, ये टोटल पांच प्रोसीजर्स थे, टोटल पांच प्रोसीजर नहीं थे, प्रोसीजर एक ही था एक एक करके करने का, लेकिन प्रोसीजर जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो यहाँ पे पांच पार्ट्स में आपको बताया गया कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, थोड़ा मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में शायद समझाने लगा, बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।